नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो ईरान का दौरा तय हुआ, और जब प्रधानमंत्री मोदी ईरान गए तो 150 साल पुरानी फारसी में लिखी रामायण की एक प्रति और सातवीं सदी की कुरान लिए ईरान पहुंचे, और भारत की तरफ से ये जताने की कोशिश की गई कि भले ही दोनों देशों के रिश्ते कुछ दिनों के लिए थमे हों लेकिन खराब नहीं हुए हैं। तब एक इस्लामी देश में मोदी ने यह भी संदेश दिया कि हो सकता है कि उनकी सरकार पर हिंदूवादी विचारधारा फैलाने के आरोप लगते हों, लेकिन उनका एजेंडा इससे अलग है। और मोदी की ईरान यात्रा जबरदस्त राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक तौर पर सफल रही, और ईरान के साथ कई बड़े समझौते हुए जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ईरान का बड़ा समझौता हुआ। तब ये कहा गया कि भारत ने ये डील कर एक साथ कई निशाने साधे हैं। ये समझौता इतना महत्वपूर्ण था कि सभी विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक मोदी की इस रणनीति का लोहा मानने लगे थे, क्योंकि ईरान का नक्शा देखने पर चाबहार की अहमियत समझ में आती है। ये मोदी के गृह प्रदेश गुजरात से ज्यादा दूर नहीं तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत का रास्ता भी खोलता है। इससे भी बड़ी बात ये कि चाबहार की मदद से भारत पाकिस्तान की सीमा पर बैठ सकता है। ये इलाका पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं। बलूचिस्तान में अभी हाल ही में चीन ने ग्वादर बंदरगाह का विकास करने का करार किया है। भारत का ये कदम रणनीतिक और सामरिक तौर पर जबरदस्त कामयाबी साबित हुआ, लेकिन कहीं इस समझौते को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकारों ने उस वक्त कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक तब माना जाएगा जब ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि विदेशी मामलों के जानकारों के पास इसका एक उदाहरण मौजूद था, और वो था भारत और ईरान के बीच तेल पाइपलाइन का समझौता जिसे पाकिस्तान के रास्ते भारत आना था। उस वक्त ईरान पर आर्थिक पाबंदी थी और अमेरिका का भारत और पाकिस्तान पर दबाव था कि वो ये करार न करें। भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु करार करने के बाद 2009 में प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। इसी तरह भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच 2008 में एक मुक्त व्यापार मार्ग की बात कही थी जिसे 2013 में पूरा हो जाना था। ये अब तक लटका हुआ है। अब ईरान के रुख और ईरान सऊदी अरब अमेरिका का झगड़ा ये बता रहा है कि चाबहार भी फंस गया है, और इसका भी वही हाल होगा जो इससे पहले तेल पाइपलाइन का हुआ था, क्योंकि अमेरिका ईरान झगड़ा अभी फिलहाल सुलटने वाला नहीं है, और जब तक ईरान अमेरिका झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक भारत चाबहार या ईरान से संबंध को आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का तल्खी भरा बयान देना भारत ईरान के रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। अब देखना होगा कि ईरान के साथ भारत अपने रिश्ते को कैसे समेटता है और कैसे आगे बढ़ता है। ये तो तब पता चलेगा जब ईरान के विदेश मंत्री के बयान का भारत जवाब देगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत ईरान पर क्या रिएक्शन देता है।